everyone. Press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. अगर आप देखें तो साथ में बैठ के खाना लगता है फैमिलीज के लिए फर्ज है. दे शुड बी टुगेदर एटलीस्ट एट वन मील अ डे. सिर्फ प्यार ही नहीं बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें जब वो गिव एंड टेक होता है तो ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है. आज हमारे यहाँ देखें तो खान सिर्फ इफ्तार ही नहीं, जैसे आप व्रत रखते हैं, आप रोज़े रखते हैं, तो इन चीज़ों में जब आप इसकी वाइब ही अलग होती है, इस पूरे दिन की वाइब अलग होती है, बड़ी पायस होती है, बड़ी पुर असर होती है. और कहते हैं कि इन दिनों में आप जो भी दुआएं मांगे वो पूरी होती हैं. हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे सेट पर हालांकि आई एम नॉट द अदर पार्ट, लेकिन हम सब साथ में बैठते हैं. सिर्फ रोज़ा ही नहीं खोलते हैं, हम तो लंच भी साथ में करते हैं और शाम के नाश्ते भी साथ में करते हैं. हमारी मैंने बहुत जितना भी काम किया है उसमें मुझे ये एहसास हुआ है कि पूरे सारे एक्टर्स को एक साथ हिल मिल जाने में और एक दूसरे के साथ एक रापो बनाने में समय लगता है. यहाँ हमारे साथ लकीली ऐसा हुआ ही नहीं. वी आर इन टू ईच अदर्स रूम्स एट ऑल टाइम्स इन्जॉइंग आर सेल्व्स, द यंग एंड द ओल्ड, लेट मी टेल यू. So it's fun. We are enjoying ourselves. And you can see that. आपको माहौल में ही दिख रहा होगा हमारे. And let me tell you, ये positivity ही है जो हम सबको बहुत दूर तक लेके जाएगी. Please bless us. डाइट का लगता है आप काफ़ी ख्याल रखती हैं. You are only attacking the fruits. तो आज डाइट के अगेंस्ट आप नहीं गई. How did you know just that I'm just attacking the fruits? Why did you do that to me? वैसे नहीं, it's not like that. I prefers fruits. और शाम के वक्त तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैव. आई फील दैट्स व्हाई रोज़े में कुछ चीज़ें साइंटिफिकली बनाई गई हैं, एंड वन ऑफ देम इज हैविंग फ्रूट्स. वैसे फ्रूट्स एट एनी टाइम आर वेलकम, लेट मी टेल यू, दे आर द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव. बट अलॉन्ग विद दैट जो चीज़ें छुप छुप के खाई थी उसके बाद किसी को बताना नहीं. ओके, ईद भी आ रही है तो ईद मीनिंग एक हॉलीडे भी आ रही है, तो ईद की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मतलब कहीं शॉपिंग वगैरह किसी फ्रेंड के साथ? या वी आर शॉपिंग, वी आर मतलब चूँकि अभी हमारा रोज़ा रोज़े ख़त्म होने वाले हैं, ईद आने वाली है और जो भीड़ हम दिखाई दे रही है हमको बाहर, इट इज़ अमेजिंग. मतलब मेरी तो अभी तक शॉपिंग पूरी भी नहीं हुई है. आपको पता है सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात रमज़ानों की होती है, जब रोज़े ख़त्म होने वाले होते हैं उसके बाद में जो लड़कियाँ होती हैं जो तैयारियाँ करती हैं चूड़ियाँ पहनने के लिए, चांद रात का इंतज़ार, उसके बाद वो जो चूड़ियाँ होती हैं, फिर जो मेहंदियाँ लगती हैं और जो मैचिंग की चीज़ें खरीदी जाती हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है. मुझे वाकई अपना बचपन याद आ रहा है कि वेन वी यूज़ टू इन्जॉय आवर सेल्व्स लाइक दिस. एंड सबसे ख़ास बात होती थी कि रात में हम वो लाइट्स देखने जाया करते थे, हमारे एल्डर्स हमें ले जाया करते थे कि रोशनी देखेंगे. इट्स द सेम थिंग हाउ वी डू इन दिवाली, कि यू गो एंड शॉप इन धनतेरस से पहले कि भीड़े लगी हुई हैं, यू गोइंग एंड शॉपिंग, इट्स जस्ट दैट माहौल एंड वी क्वाइट इन्जॉय. इनफैक्ट हम इंडियंस बहुत सारे त्यौहार ऐसे ही मनाते हैं और त्यौहारों का मतलब खुशियाँ होता है. एंड दैट्स हाउ वी आर, राइट? वी लव इंडिया, वी लव.